जैकोबिन रूल देर वाज बाइड स्प्रिट्स लेवरी इन द यूरोपियन कॉलोनीज ऑफ द कैरेबियन एंड अमेरिका अमेरिकन मार्टिन क्यू गुडेलियोपो सेंट डोमिनिको जो अभी डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है वे द मेन फ्रेंच कॉलोनीज इन द कैरेबियन इन द सेवेंटीन सेंचुरी दिस कॉलोनीज वेयर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स कॉमोडिटीज लाइक तंबा टोबैको इंडिगो सुगर एंड कॉफी दे नीडेड ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स To work and on plantation, but the Europeans were not prepared to go and work in distant and unfamiliar land, and the French traders used to purchase African natives from the coast of Africa and send them to these colonies in order to meet the shortage of labor. Thus the, thus the triangular slave trade between Europe, Africa, and America was flourishing greatly. As the slaves were available at low cost, their demands increased greatly. Then the slaves were used in particular on sugar, coffee, indigo, and tobacco plantation. फोकस किसी और कहीं और हो सकता है मैं बुक को देखते हुए क्योंकि स्क्रीन को देखने पे क्या हो रहा है कि लाइनिंग इधर उधर हो जा रहा है जैकोबिन रूल के दौरान एक सबसे अधिक जो क्रांतिकारी उपलब्धि था वो था प्रथा का अंत अमेरिका और कैरिबियन में जो है बहुत सारे जो है यूरोपीय देशों के उपनिवेश जो है सो दास प्रथा के कारण तैयार हो गए थे मार्टिन क्यू गोडेलो क्यू और सेंट डोमिनिको डौ, डौ, जिसको आज हम डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से जानते हैं ये जो है सत्रहवीं शताब्दी में जो है कैरिबियन द्वीप में फ्रांस के प्रमुख उपनिवेश थे उपनिवेश कहने का मतलब इन क्षेत्रों पर जो है फ्रांस जो है सो फ्रांस का कब्जा था फ्रांस का उपनिवेश कहने के बाद मतलब जो देश किसी के जैसे एक समय भारत भी जो है अंग्रेजों का कॉलोनी था अंग्रेजों का उपनिवेश था वैसे ही ये सभी जो देश थे ये किसके कॉलोनी थे फ्रेंच, फ्रांस के ये जो कॉलोनी ये सभी उपनिवेश जो थे ये तंबाकू नील गन्ना कॉफी जैसे सामानों के प्रमुख सप्लायर थे आ, ये का थे देनी, अब क्या था कि इन लोगों को जो है ढेर सारे वर्कर्स चाहिए था ताकि जो है इन सब पौधों का जो है सो देखभाल किया जा सके पूरा प्लांटेशन में रोपने से ले करके उनका देखभाल कटाई छटाई पूरा मतलब जब तक उन लोगों का जो है सो ये प्रोडक्ट तैयार नहीं हो जाता लेकिन यूरोपियन जो है सो काम करने के लिए वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो उनके घरों से बहुत दूर था और वो जगह उन लोगों के लिए अनजाना था तो इसके लिए फ्रांस व्यापारियों ने क्या किया अफ्रीका में रहने वाले लोगों को जो है समुद्री तट से जो है ख़रीदना शुरू किए और उनको जो है अपने जो जो लेबर की कमी थी इसको पूरा करने के लिए इन कॉलोनियों में भेजना शुरू कर दिए इस प्रकार से जो है यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो है एक ट्रेंगुलर जो है सो दास का व्यापार व्यापार जो है फलने फूलने लगा जिस क्योंकि यहाँ पे जो है दास जो थे स्लैब्स जो थे वो काफ़ी कम में उपलब्ध थे इसलिए इनका मांग जो है काफ़ी बढ़ने लगा और इन दासों का यू जो उपयोग जो है ख़ास करके जो है चीनी कॉफी नील तम्बाकू ये सब के पौधों को लगाने तैयार करने उनसे जो है प्रोडक्ट तैयार करने में इनका इस्तेमाल होने लगा द स्लेब ट्रेड स्टार्टेड इन द सेवेंटीन सेंचुरी द फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्राम द पोर्ट्स ऑफ बॉडियॉक्स टू द अफ्रीकन कॉस्ट टू बाई स्ल्स फ्राम लोकल चिप्स द फ्लाइट ऑफ द स्लेब्स वाज मिजरेबल दे वेर ब्रांडेड एंड सैकल्ड एंड वेयर पैट लाइक कॉमोडिप्स एंड वेयर से कैरेबियन वेर दे वेर सोल्ड टू प्लानेशन ऑनर द फ्लोरिशिंग स्लेब ट्रेड एडिड टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पोरिटी ऑफ द पोर्ट इट इज लाइक बॉडियोक्स एंड नेंटेस इमेंसली सत्रहवीं शताब्दी में जो है सो ये दासों का मज़दूरों का व्यापार शुरू हो गया फ्रेंच व्यापारी क्या करते थे बॉडियोक्स या नैंटेक्स, जो अफ्रीकन तट पे जो बंदरगाह थे वहाँ से जो है वहाँ के जो लोकल हेड होते थे उनसे इन दासों को ख़रीदते थे उस दासों का जो कंडीशन था वो बहुत ही दयनीय था उनको क्या किया जाता था उनको ब्रांडेड करके उनको सिक्कड़ में रख करके और जैसे सामानों को पैक किया जाता था उस तरह से उनको जेहाज पर लाद दिया जाता था और उनको कैरिबियन द्वीपों दीव, में जो है भेजा जाता था जहाँ पर ये इनको जो है जो ये सब प्लांटेशन के ऑनर थे जो पेड़ पौधे जो जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स के जो लगाने वाले जो खेतों के मालिक थे वो लोग इनको खरीद उनको उनको जो है ये सब बेचा इन लोगों दासों को भेजा जाता था इस तरह से क्या हो रहा था कि पोर्ट सिटीज में बॉडियोक्स और नेंटेंस जैसे बॉड ये जो है सो पोर्ट सिटीज में जो दासों के खरीद बिक्री का व्यापार जो है वो बढ़ा और ये लोगों के लिए जो आर्थिक संप्रभुत्व का एक कारण बना इन फ्रांस लेवरी डिड नॉट मिट मिट मच क्रिटिसिजम थ्रू आउट द एटीन सेंचुरी अठारहवीं शताब्दी तक जो है दास फ्रांस में जो है दास प्रथा का जो है कोई खास समीक्षा नहीं हुई हाउ एवर विद द एडवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द डिकलेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स ऑन द इश्यू रिगार्डिंग टू द एबोल्यूशन ऑफ एसलेबरी लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति आगे बढ़ी और साथ में मैन और सिटीजन का जो राइट्स का जो डिक्लेरेशन हुआ तो नेशनल असेंबली में क्या होने लगा दास प्रथा को समाप्त करने के लिए लंबी लंबी बहस चलने लगी विश सुड कीप इट इन माइंड that there was ए डायरेक्ट क्लास बिटवीन द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ़ द प्लांटेशन ऑनर एंड the, एंड द प्रिंसिपल ऑफ एज एम्बॉडीड इन द डिकलेसन ऑफ सेवनटीन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मुद्दे पर क्या हो गया कि प्लांटेशन ऑनर जो ये सब का उत्पादन करते थे जिन जिनकी जमीन में ये सब पौधे रोपे जाते थे उनका जो व्यापारिक हित और जो घोषणा पत्र जो सेवनटीन में किया गया था उन दोनों के सिद्धांतों के बीच में आपस में क्लैश होने लगा टकराव होने लगा द प्लानसन ऑनर्स फील्ड थ्रिटेंड इफ्स लेबरी वॉज एबॉलिस्ड एंड ब्लैक्स वेयर सेट फ्री जो प्लान्टसन ऑनर थे वो उन लोगों को लगने लगा कि अगर दास प्रथा समाप्त कर दिया जाएगा और जो काले लोगों को अगर आज़ाद कर दिया जाएगा तो वो उनके साथ धोखा हो जाएगा और वो अपने आप को जो है असहाय फील करेंगे द लीडर्स लाइक बारने पैट्रीअर्ट्स लाइक द लेमेथ ब्रदर्स एंड मोनार्किसक मेलोट वेयर इन फेवर ऑफ सेव गार्डिंग प्लांटर्स इंटरेस्ट इन एंड मैंटेनिंग ऑर्डर इन द कॉलोनीज एज वेल कुछ नेता जैसे बार्डवे और लैमैथ ब्रदर्स के जैसे जो है देशभक्त और मेलोनेट जैसे राजा जो हैं वो जो है जो प्लांटर्स के जो है हित में सो, हित में सोच रहे थे ताकि कॉलोनीज में उनकी जो विधि व्यवस्था है वो मैंटेन रहे दे ऑल सेंटर्ड ऑल अराउंड द मैजिक क्लब फाउंडेड इन अगस्त 1789. वे सभी जो है अगस्त सत्रह सौ निवासी में मैजिक क्लब मैजिक क्लब के सामने इकट्ठा हुए हैं द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द ब्लैक्स फाउंडेड इन 1783 एटी थ्री वाई देयर मेजर एडवर्जरी सत्रह ब्लैक्स फ्रेंड्स ऑफ ब्लैक्स नाम का एक समाज का गठन हुआ जो उस दौरान की एक प्रमुख घटना थी लीडर्स लाइक पेरे एंड द एबेग्रे गोयर वेयर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और इस सोसाइटी के जो प्रमुख सदस्य, सदस्य थे वो वो नेता थे आपके ब्रिशोट तो रॉबेस पेरे और एबेग्रे गोयरे हाउ एवर द नेशनल असेंबली कुड नॉट लेजिस्लेट एनी लॉज रिगार्डिंग द इश्यू चूंकि यद्यपि उसके बावजूद भी जो है नेशनल असेंबली जो है इस मामले में कोई नियम जो है नहीं बनाया फाइनली द नेशनल कॉन्वेंशन ऑन फोर फेबर फोर सेवेंटी नाइनटी फोर लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेब्स इन द फ्रेंच कॉलोनी और अंत में क्या हुआ कि चार फरवरी सत्रह सौ चौरानवे को नेशनल कॉन्वेंशन में जो है सभी दासों को जो है फ्रेंच कॉलोनी से फ्री करने का जो है सो so, ऑर्डर पास हुआ एंड डाउटली इट वॉज ए बोल्ड हिस्टोरिकल स्टेप बट इट प्रूव टू बी ए टेम्प्रोरी मेजर एज नेपोलियन बोनापार्टी इन एटीन हंड्रेड टू री इंट्रोड्यूस्ड लाइब्री निसंदेह यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था साहसिक ऐतिहासिक कदम था लेकिन यह जो है एक कह सकते हैं कि अस्थाई नहीं अस्थाई ही कदम हुआ क्योंकि नेपोल 1802 में ने नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद फिर से दास प्रथा जो है सो शुरू हो गया इट वॉज वर्नली एट्टीन फोर्टी एट डेट सलेवरी केम टू बी एवोल्यूशन इन फ्रेंच कॉलोनीज सिर्फ अट्ठारह सौ अड़तालीस ही वह साल था जब जो है फ्रेंच कॉलोनीज से दास प्रथा को समाप्त किया गया एवरीडे लाइफ एंड द रिवोल्यूशन दैनिक जीवन और क्रांति द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्राउट इज नंबर ऑफ चेंजेस इन एवरी डे लाइफ फ्रांसीसिक क्रांति की वजह से दैनिक जीवन में ढेर सारा परिवर्तन हुआ द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्विली वेयर एंटरटेन एवरी डे प्रैक्टिस एंड एंड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑल डू इंस्परेशन फ्रॉम देम आज़ादी और समानता का विचार जो है मनुष्य और ये जो जेंट्स लेडीज और बच्चों के मन में जो है दैनिक जीवनों में जो है वो शामिल हो गया और इससे उन लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी मिली सेंसरशिप वाज़ एबॉलिस्ड सुन आफ्टर द फॉल ऑफ बेस्टिले 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 के किले के पतन के साथ ही जो है सेंसरशिप भी खत्म हो गया हम लोग को ये जाना ज, ये जरूरी है कि प्राचीन शासनकाल के दौरान जितने भी रिटेन मटेरियल थे और कल्चरल एक्टि, एक्टिविटीज होती थी जैसे बुक्स आपका जो है न्यूज़पेपर नाटक ये सभी क्या होते थे परफॉर्मेंस या पब्लिकेशन के पहले उसको उसको जो है सेंसर किया जाता था राजा के जो राजा के लोग जो है देखते थे कि कहीं इसमें जो है राजा के खिलाफ कुछ ऐसा तो नहीं है अगर खिलाफ अगर होता था तो उस चीज़ को हटा, हटा हटा दिया जाता था इट मीन डेट दे कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म वनली आफ्टर दे हैड बिन अप्रूव बाई द सेंसर ऑफ द किंग इसका मतलब यही हुआ कि ये तभी जो है पब्लिश होता था तभी छपता था या जो है परफॉर्म किया जाता था जब जो है राजा के सेंसर जो है इसको पास कर देते रहे हैं बट विद द डिक्लेसन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केम टू बे नेचुरल है लेकिन क्या हुआ कि जब मैन और सिटीजन का जो अधिकार का डिक्लेरेशन हुआ उस समय के बाद बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का करने की आज़ादी जो है अब प्राकृतिक अधिकार बन गया नेचुरल राइट right बन गया न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स प्लोडेड द टाउन्स एंड फ्लेजेस है एज वेल अब क्या होने लगे समाचार पत्र पर जो है सो छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैंडविल हो गए बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स जो है वो शहर और गाँव में जो है फैलने लगे दस द मासज इवेंट इन कंट्री साइड वेयर एबल टू नो अबाउट द इवेंट्स एंड चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्रांस द रिवोल्यूशन इससे क्या हुआ कि क्रांति के बाद फ्रांस में जो भी चेंजेज होता था उसके बारे में जो है दूर गाँव के लोगों तक भी है ये खबर जो है चला जाता था कि फ्रांस में क्या हो रहा है क्या परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन द पीपल इवेंट टू एक्सप्रेस अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट इन पब्लिक प्रेस की आज़ादी से क्या हुआ कि लोग जो है पब्लिक के बीच में hmm. अपने भावनाओं अपने विचारों को जो है व्यक्त करने लगे